नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़िया। दिल्ली के ऐतिहासिक फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के नाम पर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, जिसमें टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ शिरकत की। आपको बता दें कि इस स्टेडियम में बने पवेलियन स्टैंड का नाम विराट कोहली पवेलियन कर दिया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कैप्टन विराट कोहली समेत कई दिग्गज क्रिकेटर्स मौजूद थे, जहां भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अरुण जेटली के साथ अपनी यादों को शेयर किया। सो मेनी इम्पोर्टेंट पीपल, इतने जरूरी लोग हैं एक जगह, तो थोड़ा मैं नर्वस हूँ। इतने बड़े स्केल पे मुझे ऑनर दिया जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। रजत सर, थैंक यू सो मच। श्री अमित शाह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग द ऑनर्स। माई टीम गाइज हु आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम विद, स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल, थैंक यू गाइज फॉर बींग हियर। ऑल द मेम्बर्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट टीम्स ऑफ दिल्ली, सो मेनी बिग प्लेयर्स हियर, मेम्बर्स फ्रॉम BCCI, कपिल सर, मुझे ऑनेस्टली आई डोंट नो हाउ टू एड्रेस दिस, कैसे बोलूं, लेकिन एक ही चीज़, आज घर से जब हम आ रहे थे, मेरी फैमिली यहाँ पे है, माई वाइफ अनुष्का, माई भाभी, माई ब्रदर्स हियर, माई चाइल्डहुड कोच राजकुमार सर, हु इज बिहाइंड एवरीथिंग दैट यू सॉ हियर, सो थैंक यू सर फॉर ऑल योर कॉन्ट्रीब्यूशन। एक ही छोटी चीज़ मैं बोलूँगा कि घर पे आज एक बात हुई, मुझे याद है 2000 या 2001 में जिम्बाब्वे से एक टेस्ट मैच था फिरोज शाह कोटला में, जिसके लिए सर ने मुझे टिकट्स ऑर्गेनाइज करके दी, और मैं और मेरा भाई देखने गए थे वो मैच, और हम लोग जहाँ पवेलियन है उसके ऑपोजिट साइड में बैठे थे, पुराना स्टेडियम था, और मुझे याद है अभी भी धीरू भाई तब थे ग्राउंड पे, और यूवी पाजी थे, और जवगल श्रीनाथ बाउंड्री पे खड़े थे, और मुझे पता है वो याद है उस टाइम वो जाली होती थी स्टैंड में, तो मैं जाली में खड़ा था वहाँ पे, और मैं उनको ऑटोग्राफ मांग रहा था। तो आज हमने बात डिस्कस करी कि टाइम, समय कितना जल्दी निकल जाता है, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक ऐसा दिन आएगा उसी स्टेडियम में मुझे ऐसा ऑनर मिलेगा, तो थैंक यू वेरी मच सर, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड माई होल फैमिली, एंड I thank you from the bottom of my heart, and more importantly, it's more special because it's happening at the same time as the stadium being named after Shri Arun Jaitley ji. For me, मैं उनकी family से आके मिला और मैंने उन्हें ये बोला कि दुनिया उनको बहुत अलग नज़रिए से जानती है, लेकिन मैं उनको एक इंसान के तौर पर उनको मैंने जाना है। जब मेरे father साहब की death हो गई थी, तो उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर मेरे घर पर आकर मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे मोटिवेशन दी, तो मेरे लिए वो उनके साथ स्पेशल कनेक्शन था, और वो इसी वजह से था क्योंकि एक बहुत अच्छे इंसान थे। तो मेरे लिए वो प्राउड मोमेंट है कि सेम ओकेजन पे ये दो चीज़ें साथ में हुई, सो थैंक यू वेरी मच, आई एम रियली ऑनर्ड, रियली ग्रेटफुल, एंड हैव अ वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू।